नमस्कार सभी को, मेरी ओर से हार्दिक नमन। मैं खेम सिंह। तो सबसे पहले मैं इसका जो मॉनिटर है वो चेंज कर देता हूँ। हेलो हेलो। तो मैंने अपनी जो आवाज़ है वो दूसरे माइक में सेट कर दी है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन अनडिम कर लेता हूँ। स्पीकर को माइक। तो मैंने अपनी जो स्क्रीन है वो अनडिम कर दी है। आज का जो वीडियो है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि हम यूट्यूब के वीडियो में जो है चैप्टर कैसे क्रिएट करें। ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दो। यूट्यूब के जो कुछ अपडेट्स है उसमें चैप्टर्स क्रिएट करने के लिए जो है आया ये एक अपडेट जिसमें हम चैप्टर क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ। नहीं, तो चैप्टर कैसे क्रिएट करें आप सबसे पहले इस वीडियो में ये जान लीजिए, अच्छे से जानिएगा। वैसे कुछ वीडियोस में जो YouTube है वो खुद ब खुद चैप्टर क्रिएट कर देगा, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी है जिसमें YouTube की तरफ से भी खुद चैप्टर्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे, उसमें हमको खुद अपने जो चैप्टर्स हैं वो क्रिएट करने पड़ते हैं। अब ये कैसे करना है ये वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जानिएगा, सही से जानिएगा और ध्यान से सुनिएगा किस तरह से बुधवार किस तरह से हमको ये चैप्टर क्रिएट करना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ही आप इसका अच्छा नॉलेज ले पाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। कुछ लोग हो सकता है इस चीज़ को ना समझ पाए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले भी मैं कुछ कहूँगा कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन तो मिलता ही है, अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते तो उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लाइव। तो कैसे अपने इस वीडियो पे चैप्टर क्रिएट करें, आइए आप जानते हैं इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन के जरिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मालूम होना चाहिए जो वीडियो है ना वो कौन सा टॉपिक किस टाइम से शुरू हुआ है, बस ये आपको नोट करना है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम किसी चैनल पे चलते हैं, कोई वीडियो है हमारे पास उसको बनाते हैं। किसी चैनल पे जाता हूँ मैं, अपना पुराना चैनल समझो। खाता यहाँ पे मैं गया बंद। आपका खाते मैनेज करें। खाते मैनेज करें। खाता भी यहाँ पे लोडिंग हो नहीं रही है इंटरनेट पे। यहाँ पे मैं चला गया हूँ। कास्ट करें। अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है, मैं उस वीडियो पे जा रहा हूँ जिस पे मुझे चैप्टर्स क्रिएट करने या बनाने हैं। वापस जाए। और ये वीडियो है मेरे पास। बटन इस चैनल का बटन वीडियो मैनेज करें। अभी कोई वीडियो चेक कर लेता हूँ। Latest image Ali Grover Ariano album DJ King's Nonstop by AC Bardwich and Sejal Verma, 15. Bard dekha gaya. 1. Din pehle. 3116. या 30 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो ले लेता हूँ, या फिर एक और वीडियो भी है यहाँ पे जिस पे मुझे चैप्टर्स क्रिएट करने हैं, तो खुद ब खुद YouTube ने इस पे चैप्टर नहीं बनाए हैं। मैं चेक करता हूँ इसको। बटन
अभी प्ले करके सुनाता हूँ, अभी प्ले किया मैंने वीडियो को। इसको मैं पॉज करता हूँ, अभी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ। तो चैप्टर की सूची कहीं भी मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि यूट्यूब को इस गाने के बारे में पता ही नहीं है, इस ट्रैक के बारे में पता ही नहीं है, जबकि हमको पता है कि इस ट्रैक में 8 या 10 गाने हो सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो यूट्यूब को मालूम नहीं होती है। हाँ, अगर टॉप 5 टॉप 6 जितने भी आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं उसमें कुछ एप्लीकेशंस या फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें यूट्यूब खुद से चैप्टर क्रिएट कर दे, लेकिन जिनमें खुद से क्रिएट नहीं हो सकते चैप्टर्स, उसको हम स्वयं कैसे तैयार कर सकते हैं, आइए सुनते हैं। सबसे पहले इस ट्रैक की बात ले लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे काम करना है, सबसे पहले जो ट्रैक है उसको जो भी वीडियो है ना उसके एक्शन मेन्यू पे जा करके एडिट पे जाना है। पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी जो टाइम स्टैम्प है वो चेक कर लेते हैं। पहले गाने की जो टाइम स्टैम्प है वो 0:0 हो रहेगी, ठीक है। ये वीडियो ना, तो पहले गाने को सुन लेते हैं थोड़ा सा, जो भी है शेयर करें। अभी डिस्क्रिप्शन में चैप्टर भी नहीं शो हो रहा है, तो थोड़ा सा ही सुन लेता हूँ मैं, चाहे कॉपीराइट तो वैसे नहीं आएगा। तो गाने का नाम मुझे समझ आ गया क्या लिखना है, यहाँ से हम जाते हैं एडिट पे, वीडियो बदलाव करें, ठीक है, बदलाव करें वीडियो में बदलाव करें। तो यहाँ पे बदलाव किया, हमने डिस्क्रिप्शन तो दी, शीर्षक हमने दिया है ऑलरेडी, जो जिसको टाइटल हम कहते हैं, बटन किसको दिखे, बटन जानकारी। तो यहाँ पे जाएंगे इन्फॉर्मेशन में जो डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले हिंदी, यहाँ पे मैं पहले कुछ लिख देता हूँ नीचे, कुछ जनवा स्पेस जनवा स्पेस हटाया जनवा स्पेस 36 अंडरस्कोर नई पंक्ति कुछ चुना कुछ नई कुछ कुछ जब भी गन यार 22 बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ कभी एक तक जोन तो ये बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे मुझे। 26 क्या हो रही है, स्पेस हटाया गया, तो बहुत सी यहाँ दिक्कत फेस करनी पड़ रही मुझे। हाँ, सीधा सीधे मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है, बस ऊपर जैसे आप कुछ चैप्टर्स के बारे में आप लिख रहे हो नीचे कि कुछ चैप्टर्स की सूची यहाँ पे दी गई है, या कुछ गाने हैं तो लिख दो नीचे गीतों की सूची। हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितने भी चैप्टर्स के नाम हैं हर चैप्टर्स के बाद न्यू लाइन होनी ही चाहिए। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वॉइस इनपुट से ही लिखो, लिख भी रहे होंगे तो हर चैप्टर्स के आगे न्यू लाइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लो हिस्ट्री के चैप्टर बना रहे हैं, नंबर 1 1857 का युद्ध, नंबर 2 सन इतनी तारीख का युद्ध, नंबर 3 सन इतनी तारीख का युद्ध, नंबर 4
अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, मतलब इस तरह से जितने भी ये टॉपिक्स है इस सब में न्यू लाइन, मतलब इनसे हम सबसे पहले न्यू लाइन होने, सबके पास न्यू लाइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी ये चैप्टर आपको टॉपिक वाइज दिखेंगे, अन्यथा गड़बड़ भी हो सकती है। तो कैसे हमको ये करना है, जैसे गाना है यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर वन, एक मिनट, अंग्रेजी और क्या नाम था उसका, तो ये मैंने यहाँ पे गाने का नाम डाल दिया है, यहाँ पे चाहे कॉमा लगा दो, फुल स्टॉप लगा लो, लेकिन स्पेस जरूर होना चाहिए इसके आगे। इसकी टाइम स्टैम्प थी 0:0, तो यहाँ पे लिख देंगे दो बार 0 कोलन लगा दो, कोलन, ठीक है, जीरो 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 जीरो, अपनी मर्जी से डाल देता हूँ मैं, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कुछ भी डाल देता हूँ, 04 कोलन जो भी है, यहाँ नई लाइन होनी ही चाहिए, ठीक है, जिसको हम एंटर कहते हैं, अगर ये नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इससे आपका वीडियो चैप्टर नहीं क्रिएट हो पाएगा। बस आपको टॉपिक का नाम लिखना और उसके टाइम स्टैम्प जो भी उसका टाइम है वो आपको लिख देना उसके उसी टॉपिक के बगल में, ठीक है, उसी लाइन के बगल में, लंबा भी होगा लेकिन उसकी टाइम स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है, चाहे दो लाइन में भी लिख दो लेकिन बिना न्यू लाइन दिए उसी हेडिंग के आगे। और ध्यान रखिएगा ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, तभी आपका ये शो हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को अपडेट कर देते हैं, इस वीडियो अपडेट कर दिया है, वीडियो अपडेट किया गया, तो और इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। पहले कहाँ गया, थोड़ी गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, यहाँ पे रहने दें, ऐप बंद होने रहने दें, ये थोड़ी सी ये नोटिफिकेशन ने परेशान कर दिया था। तो ये वीडियो हमने क्लोज कर दिया है, बटन इसी को हम चला देते हैं, पड़ोस ने नॉनस्टॉप को, ये देखिए पहले ऊपर आ नहीं रहा था, पर अब देखिए चैप्टर्स यहाँ पे चैप्टर की जो सूची है वो आने लग गई है, आप चाहे तो यहाँ ऊपर से भी देख सकते हैं इसको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके भी चैप्टर की जो लिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं, जैसे दूसरे वीडियो में तो सुना ही होगा, सूची में है, शेयर करें। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो उसकी शो हो रही है 4:44, यानी कि 04:44। तो आप क्या किस तरह से ये सारे लिखने हैं, जो शुरू का टाइम है 0:00 से लेकर 09 तक रहेगा, और जो आगे तक का जो टाइम है वो रहेगा आपका, चाहे 25 है, 26 है, 27 है, लेकिन जितना वो टाइम है उतना ही रहेगा, ठीक है, जो 1 से लेकर 60 तक जो मिनट है, मतलब यानी कि 6:59 तक जो मिनट है वो उतने ही चलेंगे, फिर उसके बाद अगला शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से इसमें इसकी जो टाइमिंग है, मतलब ये इस तरह से चलेगा जो चैप्टर का है, ठीक है। अभी हम चैप्टर 2 प्ले कर देते हैं यहीं से, तो जहाँ से इसमें ये होता है कि जो स्पेसिफिक टॉपिक है ना, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक ले लो, चाहे आपने अपना कोई हिस्ट्री का कुछ बना रखा है,
कुछ लोग होते हैं जो मल्टीपल टॉपिक एक ही वीडियो में बना देते हैं, मल्टीपल टॉपिक यानी कि कई ऐसे टॉपिक जो एक वीडियो में बनते हैं। हमको ऐसे ही टॉपिक अगर हम बना देते हैं तो कभी कभी होता है हम पूरी वीडियो को घंटों सुन सुनकर टाइम पास करते रहते हैं। सबका टाइम पास ना हो इसलिए यही मैं कहूँगा कि आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, ये जो चैप्टर का काम है ये ज़रूर बनाइएगा, ये ज़रूर कीजिएगा। आपका जो लंबा चौड़ा वीडियो है उसको देखने से भी लोग अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना इस टाइप की वीडियोज़ को अवॉइड कर जाते हैं। पर अगर आपने चैप्टर वाइज वो कंटेंट्स रखे होंगे, चैप्टर्स क्रिएट करके रखे होंगे, तो कोई भी इस वीडियो को अवॉइड नहीं करेगा। वैसे भले ही आपने वीडियो प्ले की होगी लेकिन वो चैप्टर ऊपर भी दिख जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, या जो भी नाम आपने डाल रखे वो वीडियो चलते चलते ऊपर दिख जाएंगे। ठीक है, बस आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, इससे भी आपके छोटे किसी न किसी टॉपिक के जो व्यूज़ है वो आ सकते हैं। और जितने चैप्टर्स आपने वीडियो में लगा रखे हैं हो सकता है इससे भी आपका वीडियो सर्च आ जाए, भले कुछ छोटे छोटे जो शीर्षक है, जो छोटे छोटे जो टाइटल्स या जो चैप्टर के नाम है वो भी आपकी वीडियो को सर्च में ला दे, अगर एक ही वीडियो में आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन देते हैं तो। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है एक ही वीडियो में मल्टीपल इंफॉर्मेशन देना, पर कुछ लोगों का जो लंबा वीडियो है वो आगे नहीं जा पाता, इसलिए आप इसमें चैप्टर वाला काम ज़रूर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आज का ट्यूटोरियल? आशा करते हैं आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आज की जो जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हुई क्यों नहीं। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिए। आपके कोई सुझाव है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स पर पोस्ट कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो आप सभी का काम अभी सभी को पता ही होगा कि क्या करना होता है, नोटिफिकेशन मिस होने से बचने के लिए जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको दबाकर ऑल पे सेट करना आपको है, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।